नमस्ते फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उमंग ऐप के जरिए ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि का जो बैलेंस होता है, बैलेंस कैसे देखेंगे, उसकी पासबुक किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं उमंग ऐप के जरिए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके उमंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह का ऐप है, इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं है। गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स होती है वो सभी काफ़ी सारी साइट्स इसमें मिलेगी आपको। हम आज जानने वाले हैं कि जो कर्मचारी भविष्य निधि में जो हमारा पीएफ कटता है उसका पासबुक किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करेंगे ये, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। आपको इसमें लॉगिन होना पड़ेगा। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें कुछ, फर्स्ट तो आपको मोबाइल नंबर सब डालना पड़ेगा। इसमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा आपका, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और क्वेश्चन आपको फिल करना होगा। इसमें क्वेश्चन भी डालना पड़ेगा आपको। इस तरह का एक पिन भी आपको जनरेट करना होगा उसमें, 4 डिजिट का। मैं कर चुका हूँ। उमंग प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल दिखा रहा है मुझे। मैं पहले से यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पूछ रहा है इसमें। मैं ओनली इसे अभी एडिट किया हुआ है तो इसमें काफ़ी सारे फीचर है। अब देखिए परिवहन सेवा का है, लेकिन हम आज जो जिस विषय पर बात करने वाले वो है ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि का जो पीएफ है उसकी पासबुक किस तरह से डाउनलोड करेंगे हम। सबसे पहले ईपीएफओ ओपन करते, इस तरह से आएगा आपके सामने ओपन होकर। इसमें आपको एम्प्लॉयज सेंटर सर्विस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आ रहा है इस तरह से कुछ एम्प्लॉयज सेंटर सर्विसेज व्यू पासबुक करके है और नीचे लिखा हुआ है राइस क्लाइम। ये जो नीचे का ये विड्रॉल, पीएफ विड्रॉल करते उसके लिए ये ट्रैक क्लाइम है सब, इसके बारे में बाद में देखेंगे हम। अभी जो पीएफ पासबुक है उसके बारे में जानकारी, तो व्यू पासबुक पे क्लिक करते हैं। देखिए इधर लॉगिन पे आपका यूएएन नंबर डालना है। मैं डालता हूँ मेरा यूएएन नंबर जो है 1. इस तरह से अब इसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जो आपने
कर्मचारी भविष्य निधि में जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ डालना है। देखिए मुझे आ गया है 3537 9। इसे ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से आया है पासबुक अकाउंट डिटेल करके आ गया। अब जो यहाँ पे ब्लू लिंक दिखाई दे रहा है आपका कंपनी का, इसमें आपका पीएफ का जो अकाउंट होता है वो सब दिखाई दे रहा है आपको। मेरा इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करेंगे। ब्लू लिंक पे क्लिक करते ही आपका देखिए मेंबर आईडी नेम जो भी आपका है वो यहाँ पे शो होने लगता है इस तरह से। इसके बाद आप नीचे जाइएगा, इसमें आपको डिपॉजिट कितना है, अगर आपने विड्रॉल किया है बीच में पीएफ में से तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। मेरा 00 है, मैं विड्रॉल नहीं, डिपॉजिट से। इसको आप नीचे चले जाइएगा, लास्ट कितना, यहाँ पे आपको लास्ट में डाउनलोड करके दिखाई दे रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। जो भी एक्सेस अलो फाइल के लिए आ रहा है यहाँ पे अलो करेंगे हम। देखिए इधर फाइल डाउनलोड सक्सेसफुल दिखा रहा है, ये डाउनलोड हो गया और देखिए ओपन होने लगा अभी। ओपन हो गया है, डाउनलोड होके इस तरह से आपको ये इसका पासबुक मिलेगा। इसमें देखिए आप 2009 से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 2009 का जो भी पैसा है उससे पहले का यहाँ पे टोटल करके दिखा दिया है उसने। इसके बाद का पूरा लिस्ट आपको दिखा देगा, नीचे नीचे जाके आपको देखिए यहाँ तक। तो ये जो है मनी, इसमें पासबुक दिखा दिया आपके ईपीएफ में कर्मचारी भविष्य निधि में जो पैसा कटा है आपका और जो कंपनी का पैसा है टोटल यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको। इस तरह से आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि की पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो हर महीने इसे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।